खुशियों के दाम नहीं होते। कभी माँ की हथेली चूमकर मिल जाती है तो कभी बाप की शाबाशी की मुस्कान में आ जाती है, और कभी कभी माल्टा के गांव में यूं ही मिल जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि खुशियों के दाम नहीं होते। यही तो मजे हैं रोड के सफर के। कोई खूबसूरत मंजर नजर आया, रुक जाओ। खूबसूरत गांव नजर आया, रुक जाओ। या कहीं पे आपको सेहत नजर आई तो रुक जाओ। क्या करूं, कंट्रोल नहीं होता। ताजी सब्जियां और ताजे फल। रुद्रप्रयाग का ये क्षेत्र अपने माल्टों के लिए जाना जाता है, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि सही वक्त पर मैं सही जगह पर हूँ। तो रुद्रप्रयाग शहर पहुँचने से पहले मैं इन पेड़ों पर लगे जो माल्टे हैं उनका बड़े ही स्नेहपूर्वक ग्रहण करूंगा। आहा, ताजे फलों का कोई मैच नहीं, कोई मुकाबला नहीं। और इस कड़ी में उठाऊंगा आनंद माल्टों को पेड़ से तोड़ने का, एक अभी के लिए और एक रास्ते के लिए। ठीक है। जानूंगा कैसे बनता है बाजार में बिकने वाला ताजा माल्टे का जूस। ताजगी। अलकनंदा के चौथे संगम पर बिताऊंगा कुछ पल। पहुंचूंगा उत्तर वाहिनी गंगा के घाट पर। जाऊंगा पहाड़ों में बसे एक खूबसूरत गांव में एक खास इंसान से मिलने। फिर से स्कूल का विद्यार्थी बनकर जानूंगा गंगा की अहमियत को। एक ही टारगेट पकड़ना होगा अगर हमें गंगा को अविरल और निर्मल। गंगा के सामने होऊंगा नतमस्तक देवप्रयाग में। देवप्रयाग की प्राचीन दुकान पर चखूंगा एक अलग मिठाई। अब समझ में आया कि लोग यहां क्यों आते। शामिल होऊंगा देवप्रयाग के संगम पर गंगा आरती में। अब एक माल्टे से ना तो मेरा मन भरा और ना ही आत्मा। अब मैं तलाश में था कि गांव में कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे मन भरकर माल्टे खाने भी दे और तोड़ने भी दे। गांव में किसी छोटे शहर में लोग इतना प्यार से आपका स्वागत करते हैं कि उसका कोई जवाब नहीं, और उस प्यार को कभी कीमत से नहीं तोड़ते। जैसे कि मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह से इस बाग में चला आया और अनीता से मिला, और अनीता से मैंने बोला कि मुझे कुछ माल्टे मिल सकते हैं, तो उन्होंने इतने प्यार से मुझे कहा कि जो अच्छा लगे आप निकाल लो। अनीता, थैंक यू वेरी मच मुझे अपने बगीचे में आने की अनुमति देने के लिए। पर अभी सब पक गए हैं। हाँ। सारे के सारे पक गए हैं। हाँ। तो आप इसको बाहर भेजते होगे? हम बाहर भेजते हैं इनको। इसमें तकरीबन कितने माल्टे निकलते हैं आपका एक सीजन में? एक सीजन में हमारा कभी 14 क्विंटल लिखता है, कभी 8 क्विंटल लिखता है, कभी 10 क्विंटल लिखता है। इस बार का सीजन कैसा रहा? इस बार का सीजन अच्छा था, 14 क्विंटल निकले। मेरा भी सीजन बहुत अच्छा है, आपसे मुलाकात हो गई और माल्टे खाने का मौका मिल गया। तो मैं निकाल लूं? हाँ। एक ये निकालते हैं, ये एक अभी के लिए और एक रास्ते के लिए। ठीक है। आप मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हैं, आपको पता है। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अब माल्टा खाने की इच्छा को विराम मिला तो मेरे कदम बढ़ चले माल्टा से बनने वाले एक और उत्पाद को देखने के लिए। कभी कभी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातों के बारे में जानने में बड़ा मजा आता है। अब जैसे मैंने माल्टे तो खा लिए, फिर मेरे मन में ख्याल आया कि ये माल्टे का जूस कैसे बनता है, क्या ये उतना शुद्ध होता है, क्या उसमें कोई फ्लेवर होता है। तो बस माल्टे के फार्म में माल्टे ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गई ये माल्टे के जूस की छोटी सी यूनिट, जहाँ पे ये माल्टे का जूस के साथ साथ और भी अन्य जूस बनाते हैं, है ना सर? जी, हम लोग सीजन में बुरांस का जूस भी बनाते हैं जी, और जब आंवला होता है आंवले का जूस बनाते हैं,
और इसके अलावा कुछ प्लेन के क्षेत्र में कोई लीची होता है, लीची का हम लोग जूस बनाते हैं और साथ में अचार का हम लोग काम करते हैं। तो आपने ब्रांच बोला है, ब्रांच वही है ना, फ्लावर्स का नाम बड़ा मुश्किल से बोला, रोडोडेंड्रन होता है, इसको उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी है बहुत, और ये कहा जाता है कि हृदय के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो सर पहले मेरी जिज्ञासा पूरी कीजिए, जो हम माल्टे का जूस पीते हैं मार्केट में जी, क्या वो उतना शुद्ध होता है या कितना प्रतिशत शुद्ध होता है? आप देखिए क्या होता है, जो भी स्क्वैश हम लोग बनाते हैं, स्क्वैश की एक रेसिपी होती है जी। और जो इसकी रेसिपी है वो लगभग 40% के आसपास में रस डाला जाता है और लगभग 45% इसमें सिरप होता है, चीनी का सिरप होता है। तो आप सिर्फ शुद्ध जूस नहीं बेचते? सिर्फ शुद्ध जूस जो होता है वो थोड़ा कसैला होता है, बिल्कुल पीने में लाजमी नहीं होता। अच्छा, ये माल्टा ये सिर्फ इसी रीजन में उगता है, क्योंकि माल्टा भी होता है, संतरा भी होता है, मौसमी भी होती है, किनू भी होता है, तो माल्टा सबसे कैसा अलग हुआ? नहीं देखिए, माल्टा एक पहाड़ी शब्द है जी। और ये दरअसल एक सिट्रस फ्रूट है, ऑरेंज की ही वैरायटी है, इसमें थोड़ा विटामिन सी ज्यादा होता है। थकते नहीं हो आप सुबह से शाम तक काटते काट के? नहीं जी। कितने घंटे निकालते हो? 8 घंटे करते हैं। 8 घंटे? अरे बाप रे, और कितने माल्टे हो जाते हैं 8 घंटे में? हो जाते हैं 3-4 क्विंटल, 4-5। 3-4 क्विंटल कर देते हैं। क्विंटल एक दिन में 3-4 क्विंटल अपने हाथों से छील देते हैं? हाँ जी, हम ये भी यहाँ बनाते हैं। देखिए कुछ हमारे ऐसी चीजें हैं कि जो कि सिर्फ पहाड़ों में ही मिलती हैं, जैसे लिंगड़ा होता है जी, ये लिंगड़े का डब्बा है, लिंगड़े एक सब्जी होती है, इसके बरसात के सीजन में पाया जाता है जी। नाम में स्वाद है, लिंगड़े का अचार जी। इसको मैं चख सकता हूँ जी? बिल्कुल। लेकिन मैं चम्मच होगी तो दीजिए, क्योंकि मम्मी हमेशा बोलती थी बिल्कुल कि अचार में कभी भी उंगली नहीं लगानी चाहिए और डालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो है खराब हो जाता है। लेकिन हकीकत ये, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कभी अचार की बोतल में उंगली डाल के अचार ना खाया जी। ये है, नाम में अगर स्वाद है तो स्वाद की तो बात ही कुछ और है। हमारा कटहल होता है, पहाड़ी कटहल, कटहल का अचार। कटहल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, और कटहल कमाल का फ्रूट है ना, उसका फल भी बनता है, फल की तरह से भी खाते हैं, सब्जी की तरह से भी खाते हैं। खट्टा पर एहसास मीठा, ये भी यहाँ पे बनाते हैं जी, यहाँ पे बनाते हैं। और ये लेडीज बनाती हैं घर पे? हाँ, सभी 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 लोग यहाँ पे जो है सारा काम जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और कोशिश करते हैं कि जितना भी हमारा रॉ मटेरियल है वो लोकल में ही ये सारा आता है। ये सब भी ऑर्गेनिक है? हाँ, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हमारा वैसे भी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट है, लोग भी बहुत ऑर्गेनिक तरीके से मिलते हैं जी, सीधा दिल में जो होता है वैसे ही बात करते हैं। देखा आपने, लॉटरी निकल गई। बाजार में जो माल्टे का जूस बिकता है वो कैसे बनता है ये देखने के लिए आया था, और साथ में मिल गया अचार और पीने को ताजे माल्टों का जूस। ताजगी है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर जानूंगा कोटेश्वर घाट का हाल, खूबसूरत गांव में होगी एक यादगार मुलाकात। इसकी सारी टेंशन खुद अपने साथ ले सकता जी। अलकनंदा के साथ चलते चलते मैं पहुंच गया उसके चौथे संगम पर। जब मैं नदी किनारे अकेला होता हूं तो अक्सर मन में ख्याल आता है कि ये नदियां बिन कहे न जाने जीवन के कितने पाठ हमें पढ़ाती हैं। बस पढ़ने वाला होना चाहिए। ये तो आप जानते ही हैं कि अलकनंदा भागीरथी से मिलकर गंगा बन जाती है, लेकिन भागीरथी से मिलने से पहले अलकनंदा में कई नदियां जुड़ जाती हैं। विष्णुप्रयाग में थौली गंगा अलकनंदा में मिल जाती हैं, नंदप्रयाग में नंदाकिनी अलकनंदा में मिल जाती हैं, कर्णप्रयाग में पिंड नदी अलकनंदा में मिल जाती हैं, और यहाँ रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा में मिल जाती हैं। ये संगम, ये प्रयाग कितने खूबसूरत होते हैं ना, दो अलग अलग स्वभाव की नदियाँ एक दूसरे में मिलकर एक ही स्वभाव से आगे बढ़ जाती हैं। ये सीढ़ियां जाती तो कोटेश्वर महादेव के मंदिर की ओर हैं, मगर मेरा मकसद यहां इस बार आने का कुछ और है। देखते हैं कि वो पूरा होता है या नहीं। याद है आपको, पिछले सीजन में हम यहां आ चुके हैं श्री कोटेश्वर महादेव जी के मंदिर में, वो जो गुफा के अंदर एक मंदिर है। ये जगह मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि ये वो जगह है जहां पर गंगा उत्तर वाहिनी हो जाती है। याद है आपको, मैं यहां पर इस कारण नहीं आया, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे याद है पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे तब नमामि गंगे एक घाट का निर्माण कर रही थी, तो मैंने सोचा जाकर देखते हैं कि वो कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और अगर हो गया तो अब वो घाट कैसा दिखता है। आइए। भाई काम तो हुआ है,
और सच है कि जब पिछली बार यहाँ पर आए थे तब ये कार्य शुरू हुआ था, चल रहा था, और इस बार जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये कार्य खत्म हो गया। मेरे साथ में बैठे प्रताप सिंह बिष्ट, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं यहाँ के सिंचाई विभाग के डिपार्टमेंट के, और इस कार्य की जिम्मेदारी शायद आप ही के सर पे थी। जी जी, इस घाट की पौराणिक महत्व है और यहाँ पर स्थानीय लोगों के अलावा जो है कि देश विदेश से भी बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और ये आवश्यक भी था कि एक सुंदर घाट बने और इस नमामि गंगे के योजना के तहत जो है कि ये कार्य संपन्न हो पाया है। पर अभी लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे तब एक्चुअली मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था कि कार्य हो रहा था, पर कभी कभी क्या होता है आपको सरकार के ऊपर भरोसा नहीं होता कि कार्य खत्म होगा कि नहीं होगा, कार्य कैसा होगा, और ये तो यहाँ तो गंगा उतरवाई नहीं है तो ये तो बहुत ही एक खूबसूरत स्थल भी है। ये इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर अलकनंदा केवल बहती है और उसी में से एक धारा बन करके उत्तर वाहिनी बन जाती है जो भोलेनाथ जी के पवित्र गुफा की तरफ को जो है दिशा होती है। करेक्ट, और लोग आते हैं यहाँ पे बैठना शुरू कर दिया लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लगातार जो है कि तीर्थयात्री पहले भी आते थे लेकिन बहुत तंग स्थिति थी जी। और जब से ये घाट का निर्माण हुआ लगभग 5,000 से 10,000 के बीच में कभी कभी भीड़ हो जाती है, और हमने चारों तरफ से जो है कि इसके एग्जिट और एंट्रेंस सब इसमें स्टेप्स बनाए हैं, रास्ता बनाए हैं, उससे लोगों को दर्शन अच्छी तरीके से होते हैं। ये तो मैं भी कहता हूँ दावे के साथ में कि जनता की सुविधा के लिए जिस घाट का निर्माण हुआ है वो वाकई बहुत ही खूबसूरत है। इस सफल कार्य के लिए मेरी तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ, और मैं दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ कि आप जब कभी कोटेश्वर महादेव मंदिर आएँ आपके लिए बहुत सारी सुविधाएँ हैं, जिस घाट पर आकर बैठे और गंगा के बिल्कुल चरण तक आप जाकर उसका आचमन कर सकते हैं। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में दम होता है, और चाहतें उनकी पूरी होती हैं जिनके सपनों में सच्चाई होती है। मेरे तो इरादों और सपनों में दम और सच्चाई दोनों हैं, तभी तो खुशी से आगे बढ़ता जाए। और अब मैं एक खास वजह से कहीं जा रहा हूँ, रास्ता लंबा है पर मैं जानता हूँ कि मैं पहुँच जाऊँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ऐसे चले जा रहा हूँ या कोई मकसद भी है? देखिए, मैं रुद्रप्रयाग में एक बहुत ही खास इंसान से मिलने जा रहा हूं। रिश्ते बनते तो कुदरत से हैं लेकिन टिकते फितरत से हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप रिश्ते में कितना निवेश करते हैं, उसे कितना संजो कर रखते हैं, रिश्ते की उम्र कितनी होगी, इन सब बातों से तय होता है। भगत सिंह नेगी पिछले 20 साल से मेरा परिवार है, हम साथ जीते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, तो हुआ ना वो मेरा परिवार। और किस्मत की बात देखिए कि मैं भी रुद्रप्रयाग में और इस समय वो भी रुद्रप्रयाग में, तो उससे मिलने जाना तो स्वाभाविक हुआ ना। ये देखिए आलू, पहाड़ी आलू, साथ में सरसों, वो उधर मटर, केले, पपीते, कद्दू, अमरूद, क्या चाहिए इस गांव को। और सेल्फ सफिशिएंट विलेज की करेक्ट डेफिनेशन है, बस अब भगत मिल जाए। एक्चुअली भगत से इस बार मैं ज़रूर पूछूंगा कि क्या कारण है कि इतना खूबसूरत गांव छोड़कर कोई शहर की तरफ रुख क्यों करता। शॉर्टकट मारता हूँ, शॉर्टकट। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, फंस गया होता मैंने तो यहाँ पे। थैंक यू। देखा, इंसान ही इंसान के काम में आता है हर वक्त। नमस्ते नमस्ते। मुंबई से? मुंबई से। हाँ बताओ, कभी गए हो मुंबई? मुंबई तो गया। गए हो? हाँ। अरे कैसा लगता है मुंबई? कहाँ से आए? मुंबई से। कौन सी? अब आप बताओ क्या देखा आपने बॉम्बे में? चौपाटी देखा, अरे देखा, और अंधेरी देखा, और क्या क्या देखा देखा। ऐसे हाँ। कहते हैं लाइफ जिंदा दिली। थैंक यू वेरी मच, मैं जा रहा हूँ भगत से मिलने के लिए। मेरे बाबा वो ये नहीं भूलने वाला मैं। नमस्ते, और ये है भगत सिंह का घर। भगत जी सर, नमस्ते। भगत बहुत चलाया तूने मेरे को, आजा। ये है भगत सिंह नेगी, मेरा सपोर्ट सिस्टम। सच कहूँ तो मैं आंख बंद करके अपनी सारी टेंशन इसे दे सकता हूँ और आंख खोल के इसकी सारी टेंशन खुद अपने सर पे ले सकता हूँ जी। इसे क्या कहते हैं? नींबू। कौन सा वाला? बड़ा। इसमें रस निकालते क्या? हाँ। यहाँ पे क्या मस्त है, इसमें पूरे का पूरे मतलब परिवार का महीने भर का सा जूस निकल जाए। भगत बहुत सुंदर गाँव है तेरा। जी सर।
मुझे एक बात बता, तू ये छोड़ के बॉम्बे क्यों गया था? पैसे की कमी थी घर में। फिर मम्मी पापा जल्दी चले गए, तो उसके चलते फिर वो करना पड़ा। तुझे याद है तू कब मुझसे कब मिला था? 2002 में। अब तो ये अपना परिवार भी लेके बॉम्बे चला गया। अच्छा तेरे गांव में आया, तूने मुझे 20 साल में एक बार भी गढ़वाली में दो शब्द नहीं कहे, यहाँ तू मुझे बता। तुम हमारा गो एन बहुत बड़ी मेहरबानी, और तुम और हम यमो एक छोटे से घर खरीद ला। मैं दिल से कह रहा हूँ जी, और मैं तुझे बोलता हूँ कि बहुत बहुत मेहरबानी मेरी जिंदगी में आने के लिए। भगत कम बातें करता है क्या? मेरे सामने तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, इसलिए मैं लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक। दिल से की बातें मैं ऑफ द कैमरा करूँगा, आप भी लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। चाय बहुत मस्त है भैया। और आगे स्कूल के बच्चों के साथ होगी गंगा पर क्लास, देवप्रयाग की खास मिठाई का चखूंगा स्वाद, और देवप्रयाग की गंगा आरती में मैं हूंगा शामिल। अब मैं निकल पड़ा हूं देवप्रयाग के लिए। देवप्रयाग की दूरी रुद्रप्रयाग से लगभग 67 किलोमीटर यानी 67 किलोमीटर है। हम सब जानते हैं कि बच्चे हमारा भविष्य है, और जब वर्तमान को भविष्य से मिलने का मौका मिले तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं जा रहा हूं देवप्रयाग के एक स्कूल फंक्शन में, और वहां मिलूंगा हमारे भविष्य के निर्माताओं से। नमस्ते। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आपके बगल में कौन सी नदी बह रही है? अरे इससे हमें क्या मिलता है? मैं आई कम इन मैम? यस सर, यस सर, प्लीज। नमस्ते। आप जानते हैं ना, मेरा नाम है राजीव खंडेलवाल, मैं एक्टर हूँ, और आप सबसे मिलने के लिए आऊँ। मैं देखूँ आप लोग पढ़ाई कैसे करते हैं, मैं बैठ जाऊँ थोड़ा किसी के साथ में? जगह है सर, बेंच इसके पास में। आप लोगों को मैं दो पर्ची दे रही हूँ, और आपने देखा ना बोर्ड में, राजीव जी आप भी ध्यान दीजिए। नदियों से हम क्या लेते हैं और क्या देते हैं, और नदियों को हम क्या देते हैं दूसरा पॉइंट। बगल में जो नदी बह रही है अलकनंदा नदी, उसको अपने दिमाग में रखिए। हाँ। नहीं पूछना नहीं है राजीव सर, क्लासरूम में कॉपी तो करते ना, क्या लिखती है लड़की? सर अभी नहीं करना है। ये क्या दे रहे हैं और ये क्या ले रहे हैं? वेरी गुड। देखने में तो बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन अगर लिखने बैठ जाओ ना तो आप पूरा का पूरा निबंध लिख सकते हो उसके ऊपर। मैं एक व्यू पढ़ के सुना रही हूँ, आप में से वो खड़ा हो जाएगा किसका व्यू है। यह हमें हमारा जीवन देती है, हमें पानी देती है, ये किसका व्यू है? राजीव जी ने क्या लिखा है? मैंने लिखा कि हम गंगा का पानी, उसका प्यार और उसका दुलार, हम वो सब ले रहे हैं और दे क्या रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम गंगा को अपना अनादर और बुरा व्यवहार दे रहे हैं। सही है। ये जो गंगा बॉक्स है, इसे नमामि गंगे द्वारा प्रत्येक स्कूल के लिए या टीचर्स को ट्रेनिंग करने के लिए ये बॉक्स दिया गया है, जिसके द्वारा हम यह बता सकें कि हम अपने गंगा को किस तरह से कनेक्ट कर सकें। बहुत सही कदम है। और ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, अविरलता का मतलब मालूम है आप लोगों को? अविरल का मतलब होता है जो हमेशा चलता है, हमेशा चलता है, हमेशा चलता है। और निर्मल कैसे कहते हैं? हाँ साफ, करेक्ट, घबरा क्यों रहे हो? साफ शुद्ध, उसे हम निर्मल कहते हैं। अगर मैं बोलूं कि अविरल और निर्मल दोनों का अगर मैं एक साथ में इस्तेमाल करूं, तो पहली चीज क्या दिमाग में आती है? गंगा। कि गंगा हमेशा अविरल बनी रहे और गंगा हमेशा निर्मल बनी रहे। आप देखिए, अब सरकार अपना काम कर रही है, वो बच्चों में एक किस्म की जागरूकता बनाने की कोशिश कर रही है। टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बच्चे इतने जागरूक हो चुके हैं, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश कौन नहीं कर रहा है? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ कि इतनी मेहनत को कृपया करके उस पर पानी न डालें। ये क्या? अगर हम सब एक दूसरे को अलग अलग दिशाओं में खींचेंगे, तो वो मकसद जो हम सबका है उसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। कुछ समझ आया? एक ही टारगेट पकड़ना होगा अगर हमें गंगा को अविरल और निर्मल। बहुत बढ़िया शब्द। क्या ज्ञान दूं मैं आपको, हमें बहुत ही खूबसूरत छोटा सा विचार है कि अगर हम सब हाथ पकड़ के एक साथ एक ही दिशा में चलें, तो शायद बदलाव बहुत जल्द आ जाएगा। गौमुख से निकलने वाली भागीरथी की धारा लगभग 200 किलोमीटर चलने के बाद देवप्रयाग पहुंचती है। दूसरी तरफ बद्रीनाथ के पास से निकलकर अलकनंदा नदी भी
करीब इतनी ही दूरी तय करने के बाद देवप्रयाग पहुंचती है। अलकनंदा अपने साथ केदारनाथ के पास से निकलने वाली मंदाकिनी, पिंडर, नंदाकिनी जैसी नदियों का जल लेकर आती है। गौमुख से निकली यह भागीरथी युगों युगों से अपने संपर्क से सभी को निर्मल और समृद्ध कर रही है। जहां एक ओर से ये शांत अलकनंदा और दूसरी ओर से ये चंचल भागीरथी एक दूसरे में मिलकर गंगा बन जाते हैं। सोचो तो ये कल्पना से भी परे कि न जाने कितने युगों से कितनी पीढ़ियों को यही गंगा जीवन प्रदान करती आ रही है। आखिरकार माँ का दर्जा जो है गंगा का। देवप्रयाग में पहले भी आया था, मगर किसी भी शहर को क्या एक बार में समझा जा सकता है? इसीलिए एक बार फिर शहर को जानने चल पड़ा हूं, और विशेष तौर पर मेरी मंजिल है देवप्रयाग की वो मिठाई की दुकान जो सुना है 150 साल पुरानी है। परमिंदर सिंह जी की दुकान यही है। नमस्कार। नमस्कार परमिंदर सिंह जी। अरे सही जगह पे पहुंच गया मैं। हाँ। देखिए ढूंढता ढूंढता मुझे तकरीबन 2 दर्जन लोगों ने बोला। हाँ। कि देवप्रयाग से परमिंदर जी की मिठाई खाए बिना मत जाइएगा। तो क्या बात, क्या ऐसी क्या खास बनाते हैं आप? ये सारी है कोई भी मिठाई है, सुनबरी है, बहुत प्राचीन मिठाई है, यहाँ देवप्रयाग की मतलब मशहूर मिठाई है। अब भारत के घर की बनावट बहुत अच्छी है। ये बहुत हमारे दादा परदादा का जमाने का मकान है। क्या बात, आप तो सोने की खान पे बैठे हैं। सोने की खान है ये दुकान ना, ये मकान भी आपका खोया खा खा के मजबूत हो गया। तो आप क्या जादू करते हो? जादू हमने क्या करना, मतलब खोए को थोड़ा चीनी मिला दिया। हाँ। और गांव का स्पेशल माव थोड़ा पत्ते भी लग गया, थोड़ा स्वाद भी ज्यादा हो जाता है। तो ये किसी और पत्ते में अगर मैं बांधूंगा तब वो स्वाद नहीं आएगा, तब नहीं होगा। ये है मतलब गुप्त राज जो होता है ना, हर हलवाई का अपना एक राज होता है उसके पास में। ये आपका राज है, ये पत्ते नहीं मिलेंगे आपको। अगर आपको लग रहा है कि आप ये इसकी रेसिपी समझ के आप घर पे बना लेंगे, नहीं बनेगा ये। देखिए पत्तों के भूरे, पत्ते की खुशबू उसमें चली जाती है। खोया जो है वो गाँव से आता है, जो मीठा मिठास जो है वो यहाँ डाल देते हैं और बन जाता है सिंगड़ी की मिठाई। तो पत्ते के साथ ही खाते हैं बिना पत्ता निकाल के? सर अच्छा, पत्ता निकाल के। क्या है हमारे देश में, जहाँ जाओ वहाँ की कुछ खासियत है। ये शो का होस्ट होने के कुछ तो फायदे हैं, अलग अलग जगह की अलग अलग व्यंजन मिठाइयाँ सब। अरे वाह, अब समझ में आया कि लोग यहाँ क्यों आए। ये देखिए देवप्रयाग की यादें। बहुत बहुत शुक्रिया। माँ गंगा की आरती में शामिल होना अब तो एक परंपरा सी बन गई है, पर इससे ज्यादा ये मेरा समर्थन है उस श्रद्धा को जो इस जीवनदायिनी की उदारता और एहसानों का नमन करती। इस आरती के धर्म में अगर हम सबके कर्म जुड़ जाएं, तो इस आरती के शब्द और भाव और भी सार्थक हो जाएंगे। हमारे देश में कितना खजाना है, क्या नहीं है हमारे देश में। हर गांव, हर छोटा कस्बा, हर दूर दराज का इलाका हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग गरीब हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ जो लोग बनाते हैं, जो उगाते हैं, उन्हें हम खरीदते ही नहीं, और अगर खरीदते हैं तो उचित दाम नहीं देते। और शायद यही कारण है कि यहाँ के लोग अपनी ही मिट्टी से उजड़कर शहर की भीड़ में खो जाते हैं। मैं चलता हूँ और अगले एपिसोड में आपसे मिलूँगा, लेकिन जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि मैं और आप अगर हो सके तो इस देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, अपने स्थानीय उत्पादनों का सेवन करेंगे, अपने देशवासियों को रोजगार देंगे और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। घबराइए मत, वादा नहीं मांग रहा हूं, बस आपके समर्थन की अपेक्षा कर रहा हूं। कर्मों में ना सही, विचारों में ही सही। शुभ रात्रि।